आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है 100 तक की सभी अभाज्य यानी कि प्राइम एवं कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब मान्य संख्याओं का औसत है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि अभाज्य कौन सी संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह की संख्याएं। तो इनमें से जो हम छांट लेते हैं, 100 तक की संख्याएं जो होती है उनको अगर हम छांट लें तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएगी 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है, उनका योग और फिर मान्य संख्याओं का औसत। मान्य संख्याएं क्या कौन सी होती हैं, तो यहाँ दो भी क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो इनके अलावा मान्य संख्याएं कौन सी होती है, जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती है वो सारी मान्य संख्याएं होती है। यानी कि अगर हम बात करें 4 की, 6 की, 8 की, 9 की, 10 की, 12 की, तो ये सब क्या है, मान्य संख्याएं हैं। इन सभी को मिलाएंगे तो 1 से 100 तक की गिनती बनती है, ठीक है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 100 तक का योग बराबर होता है, यानी कि हमें औसत निकालना है तो 100 तक का योग बटे 100, क्योंकि हमें संख्या कितने दे रखी है, पद कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं, तो ये योग होता है 5050, ठीक है। 5050 बटे में 100, यहां से आंसर कितना आएगा, 50.5 आएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।